सुपेला पुलिस ने जनवरी माह में रात्रि 10 बजे अस्पताल से ड्यूटी कर अपने घर लौट रही नर्स को नेहरूनगर स्थित योगा गार्डन के पास वाहन से गिराकर नर्स का पर्स और मोबाइल लूटकर फरार होने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 15,000 रूपए नगद तथा 20,000 रूपए कीमत का मोबाइल जब्त किया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद रुपए मोबाइल को लेकर बैग का कहां फेंक दिया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों संजय यादव उर्फ छोटू तथा मनीष अंगीरा को बेमेतरा जिले के थान खमरिया से पकड़कर मशरू का जब्त करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश ध्रुव ने दी है। सर बताएंगे, बीते जनवरी 8 को जो लूट की शिकार हुई थी महिला, उसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ नगद भी बरामद किया गया है। जी हाँ, जनवरी 8 तारीख की घटना है। लगभग 10 बजे के आसपास एक नर्स लड़की है, वो अपने काम से लौट रही थी और उसने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक उसके पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते हैं, उसको धक्का देते हैं, वो गिर जाती है और उसके बैग को उठा के वो लोग ले जाते हैं। तो उस मामले में हमने FIR पहले किया हुआ था, उसमें पता तलाश जारी थी और इस मामले में हमने दो लड़कों को अभी गिरफ्तार किया हुआ है और ये रहने वाले थान खमरिया के हैं और ये पैसे से मोटरसाइकिल वगैरह मैकेनिक है और ये लोग आते रहते हैं यहाँ पे, कुछ पार्ट्स वगैरह खरीदना रहता है, भिलाई दुर्ग में आते रहते हैं। तो वो उस समय आए हुए थे और वो इस घटना को अंजाम दिया था। उनसे वो उसके बैग में रखा 21,000 रुपये और एक मोबाइल भी था, महंगा मोबाइल था, और वो दोनों चीजें हमने इनसे बरामद की है आरोपियों से और उनकी गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई किस तरह की जा रही है सर? उसमें मामला पहले से रजिस्टर्ड था और उस मामले में हमने उनकी गिरफ्तारी की है।